मुंबई में बी टाउन के सितारे जहां भी जाते हैं हम उनका पीछा जरूर करते हैं। ईशा गुप्ता पहुंची हुई थी क्लीन अप ड्राइव के लिए। उन्होंने कार्टर रोड के बीच को क्लीन किया। उनके साथ साथ वहां और भी सितारे मौजूद थे जिन्हें आप देख सकते हैं। कि मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि ये बस एक मीडिया के लिए नहीं हम कर रहे हैं, एक हम अपने पर्यावरण के लिए कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। एंड यू नो जब भी हम बात करते हैं प्लास्टिक की, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी जनता है, काफ़ी बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता कि जब हम प्लास्टिक का बात करते हैं, प्लास्टिक की ये नहीं बात करते कि हर चीज़ प्लास्टिक, प्लास्टिक की बॉटल्स, बट हम जो रीयूजेबल प्लास्टिक होता है वो ठीक है, बट जो प्लास्टिक रीयूजेबल नहीं है वो ख़राब है, क्योंकि वो हम उसे रिसाइकल नहीं कर पाते बिल्कुल भी। और उसी वजह से जितना भी अभी हम आप क्लीनिक के लिए आए हैं मैनग्रोव्स के लिए, हम उस प्लास्टिक को हटाने आए हैं, तो आपको उस चीज़ का आई वुड रियली वॉन्ट कि लोगों को पता चले कि जैसे स्ट्रॉज है वो रीयूजेबल नहीं होता, यू नो जो फोम की प्लेट्स होती है वो रीयूजेबल नहीं होती। तो आई रियली होप कि वहाँ पे हम एजुकेट कर पाएँ और लोगों को कि रीयूजेबल प्लास्टिक इज़ ओके, एंड जो आप एक सिंगल टाइम प्लास्टिक होता है वो ओके नहीं है, एंड उसी वजह से आज हम यहाँ आए हैं। वैसे बी टाउन के सितारे जहाँ भी जाएंगे हम पीछा करेंगे और सारी खबरें आप तक यूं ही पहुँचाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।